तो क्या कुश्ती के सुल्तान के साथ साजिश हुई है? ये जवाब पूरा देश जानना चाहता है, क्योंकि नरसिंह यादव डोपिंग टेस्ट में जब से ये विवाद बढ़ता जा रहा है, सभी ये जानना चाहते हैं कि क्या नरसिंह यादव के साथ साजिश हुई है, क्योंकि इतनी बड़ी मेहनत करने के बाद, ओलंपिक में टिकट मिलने के बाद वहां पर जाने का रास्ता एकदम साफ था, अचानक ये आता है कि डोपिंग टेस्ट में फेल हो गए हैं यहाँ पर नरसिंह यादव। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये साजिश तो नहीं है? इसी पर आज के एजेंडा में चर्चा करेंगे। तो नरसिंह यादव जब से रियो ओलंपिक में चुने गए हैं, तभी से विवादों में घिरते चले जा रहे हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर नरसिंह यादव शुरुआत से ही उनके लिए अटकलें लग रही थी, क्योंकि सुशील कुमार सामने आ गए थे, उसके बाद एक ताज़ा विवाद फिर से सामने आ गया। दरअसल सुशील कुमार नरसिंह यादव के खिलाफ कोर्ट तक गए, आखिर में नरसिंह की जीत हुई और उन्हें रियो जाने का टिकट भी मिला, लेकिन ऐन वक्त पर नाडा की रिपोर्ट आई और नरसिंह यादव डोप टेस्ट में फेल हो गए। हालात इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो गड़बड़ जरूर है, और खुद नरसिंह यादव साजिश की आशंका भी जता रहे हैं। तो नरसिंह यादव का पूरा परिवार इस वक्त दुख में है, क्योंकि जो इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचता है, उसके बाद एन वक्त पर ऐसा मामला सामने आ जाए कि यहाँ पर टिकट मिलना मुश्किल हो जाए, रास्ते लगभग खत्म होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या वहाँ के हालात है, उसे बताने के लिए हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं अमित, आगे चर्चा को हम बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। पहले जानबूझकर हमारे किसी खाने में या किसी सप्लीमेंट में किसी ने प्लानिंग के थ्रू किया है, तो इसकी उसे जांच होनी चाहिए। देश का नाम रोशन करने की तैयारी थी, कोई ऐसा नहीं है जो खाली कार्रवाई कर गई नरसिंह के साथ। मेडल जीतने की तैयारी थी, मेडिसिन एक ही मेडिसिन हम लोग के बीच में आया है, तो फिर बाद में पता चला लगता है हम लोग साथ में खाना खाते हैं, हम लोग प्रोटीन सप्लीमेंट सब साथ में पीते हैं, शायद उसमें कोई मिक्स किया हो। लेकिन टूट गया सपना। आखिर अपने 15 साल की करियर में पाक साफ रहे नरसिंह यादव डोपिंग के चक्रव्यूह में कैसे फंस गए? इस सवाल का जवाब पूरा देश जानना चाहता है। नरसिंह यादव की इन पुरानी तस्वीरों को सहेजे वाराणसी के नीमा गांव के इस घर में उदासी है, दुख है, गुस्सा है। दुख एक सपना टूटने का है और गुस्सा बेटे के साथ हुई साजिश के खिलाफ। नरसिंह के पिता पंचम यादव खुद पहलवानी करते थे, बचपन से ही अपने बेटे को पहलवानी के दांव पेच सिखाए। सालों से पिता जो सपना देख रहे थे, बेटा उससे चंद कदम दूर था, लेकिन अचानक डोपिंग का विवाद खड़ा हुआ तो सपना फिर हकीकत बनने से दूर हो गया। सुशील और सतपाल ने ऐसे ऐसे नरसिंह को रोकने के लिए बहुत, यानी कोरट से कहां कहां तक पहुंचे। बाकी तो जो सच रहता है वो हमेशा विजय होता है, क्योंकि ऐसा गलत होएगा, आज नरसिंह को जाने के टाइम ऐसा क्यों हुआ। मैं हर एक पहलवान को महीने में एक बार चेक होता है, नरसिंह को कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो तीन बार कैसे मेडिकल हुआ। नरसिंह के साथ ऐसा हो रहा है, बाकी ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरा बेटा नरसिंह को ओलंपिक में जाना चाहिए, मेरा बेटा जाएगा ओलंपिक में, पदक जीत करके आएगा। बेहद साधारण सा घर देखकर शायद ही लगे कि ये उस रेसलर का घर है जिससे पूरा मुल्क मेडल जीतने की उम्मीद लगाए बैठा था। माँ को भरोसा नहीं हो रहा है कि नरसिंह ने कोई बैन दवा ली। माँ को अपने बेटे के निर्दोष होने का पूरा यकीन है, कहती है किसी ने साजिश की है। खाना पीना में तो उनके कोई शिकायत नहीं है, कभी नहीं। आज कैसे हो गई, कभी दूध घी बादाम छोड़ करके अपने हाथ से पीस पीस के बादाम हम खिलाते थे उसको, आज कैसे उसके साथ ऐसा होगा? वो कोई कार्रवाई नहीं है तो खाना में कैसे खा लिया है। नरसिंह एक साल से रियो ओलंपिक की तैयारी कर रहे थे, घर से दूर थे,
तैयारी इतनी पुरजोर थी कि सब मानकर चल रहे थे कि सुशील के बाद नरसिंह भी देश के लिए ओलंपिक में मेडल जीतेंगे। लेकिन डोपिंग विवाद ने सपने तोड़ दिए, इसलिए सवाल भी उठ रहे हैं। पूरे गांव में दुख का माहौल है और महाराष्ट्र में भी, जो मुंबई में भी दुख का माहौल है, सब जगह दुख का। अगर जाते नरसिंह तो जरूर रियो में ओलंपिक में मेडल जीते, सिल्वर या गोल्ड मेडल जीते जरूर। इसका क्या इफेक्ट देखते हैं अब आप? हिंदुस्तान को, इंडिया को नुकसान हुआ एक मेडल का। वजह तो इसमें काफ़ी दिख रहे हैं, एक तो पक्षपात, दूसरे राजनीतिक मुद्दा भी दिख सकता है, और तीसरा कोई भी सामने वाले को आगे बढ़ने से मतलब रोकने की कोशिश करता है, अपना नाम नीचे ना हो। और हमारी सोच से तो ऐसा नहीं लगता उन्होंने ऐसा कुछ किया है, ना कभी किया था उन्होंने। अब आगे देखा जाए, आगे सबके रिजल्ट पे दिखाया जाएगा क्या हो रहा है, क्या हुआ था। डोपिंग विवाद ने सिर्फ एक परिवार का, एक गांव का नहीं, पूरे देश का सपना तोड़ दिया है। सवाल ये कि क्या कुश्ती के सुल्तान के साथ किसी ने घिनौनी साजिश रची। सवाल ये कि नरसिंह कुश्ती संघ की देखरेख में प्रैक्टिस कर रहे थे तो वो डोप विवाद में कैसे फंसे। इन्हीं सवालों का जवाब पूरा देश के साथ ये परिवार भी जानना चाहता है। वाराणसी से रवि कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। तो ये 24/7 की टीम पहुंची नरसिंह यादव के घर पर, यानी कि वाराणसी के मीमा गांव में, और वहां के हालात का जायजा लिया कि घर वाले कितने दुखी हैं, पूरा देश दुखी है इस बारे में कि कैसे ऐसे हो सकता है कि अचानक जिसे एक मेडल जीत के लाना है रियो ओलंपिक पे, इतनी मुश्किल से वहां पर क्वालिफाई किया और उसके बाद अचानक डोपिंग टेस्ट में फेल हो जाते हैं। रुख करते हैं अमित का। अमित, सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या माहौल है घर में वहां पर। देखिए, जिस घर में कुछ दिन पहले तक उम्मीदों का एक पुलिंदा दिखता था, सारे गांव के लोग उम्मीदों से भरे हुए थे, आज उनके जो उम्मीद है, उनके जो हौसले हैं, वो बिल्कुल टूटे पड़े हैं। हमारे साथ उनके पिताजी हैं, उनकी माताजी हैं, पूरा का पूरा गांव है। आप ठीक मेरे पीछे देखिए, 2010 का ये कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल लेके इस तस्वीर में आपको नरसिंह यादव दिखाई दे रहे हैं, उसके नीचे यश भारती सम्मान 2012-13 का ये लगा हुआ है, और पूरे गांव में गम का माहौल है। उनके पिताजी से हम बात कर लेते हैं। पंचम जी, उम्मीद थी लेकिन अब निराशा है। आप मानते हैं कि आपके लड़के पर जो आरोप लगा है, नरसिंह पर जो आरोप लगा है, वो ये काम कर सकता है? वो तो कभी नहीं ये काम कर सकते हैं, वो तो कोई नशा का हाल नहीं जानते हैं। यही प्रधानमंत्री से ही अथवा प्रार्थना करेंगे कि मेरे बेटा नरसिंह को यानी इसका खोज निकोल करके मेरे बेटे को ओलंपिक तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि मेरा बेटा नरसिंह ने बहुत प्रयास किया है, आज कई साल से प्रयास किया कि मैं ओलंपिक में तैयारी करके मेडल जीत करके आऊँगा। कब बात हुई थी आपकी उनसे, सब अभी कब बात हुई थी? अभी एक हफ्ते पहले ही बात हुई थी कि बोले कि हम पिताजी, हम 2 तारीख को जाऊंगा, 19 तारीख को मेरा वहाँ पे कुश्ती शुरू होएगा। हम बोला ठीक है बेटा, जाइए, यही बात हुआ। तो हमारे बेटे के साथ ऐसा ऐसा अपना बीच में कर दिए हैं, तो इसको प्रधानमंत्री से ही प्रार्थना करेंगे, हम हाथ जोड़ते हैं कि मेरे बेटे को ओलंपिक तक पहुंचना चाहिए। उनकी माता जी भी हमारे साथ हैं। माता जी, वो आपके बेटे हैं और माँ अपने बेटे को बहुत अच्छे तरीके से समझती है। आपको लगता है कि आपका बेटा वो काम कर सकता है जिस जो आरोप लग रहा? मेरे बेटा को बस झूठी लगा रहा है सब लोग, और मेरा बेटा कुछ बचपन से आज तक कुछ नशा नहीं किया। सुनते कि चाय भी नहीं पीते हैं वो? कुछ भी नहीं पीते ना, चाय बस दूध, घी, बादाम, रोटी, दाल, चावल, सब्जी, कोई नशा नहीं, कभी कोई नशा नहीं आज तक मेरे बच्चे नहीं किया। तो पूरा गांव इस वक्त एक गम के माहौल में है। दीपाली, प्रधान जी भी हमारे साथ है। प्रधान जी, एक उम्मीद थी लेकिन अब सपना टूटते हुए दिखाई दे रहा। बिल्कुल टूटते हुए दिखाई दे रहा, लेकिन हम लोग आखिरी दम तक लड़ने का काम करेंगे नरसिंह के नाम से, कि नरसिंह ओलंपिक तक जाना चाहिए, चाहे जितना ताकत गांव की जनता को लेकर लगाना पड़े, चाहे रोड पर धरना प्रदर्शन करना पड़े, लेकिन हम लोग नरसिंह के लिए यहां से लेकर के जिला मुख्यालय तक लड़ने का काम करेंगे कि नरसिंह ओलंपिक तक जाए और अपनी ताकत का इस्तेमाल करें और पूरी दुनिया को दिखाए कि नरसिंह में क्या ताकत है और किस तरह का नरसिंह पैदा होकर के कैसे बना है। तो दीपाली, पूरे गांव में आक्रोश भी है, पूरे गांव में गम का माहौल भी है। जी,
बिल्कुल अमित, यहाँ पर आक्रोश भी है, गम का माहौल भी है, लेकिन अभी भी सबको उम्मीद है क्योंकि इस मामले में अभी सुनवाई बाकी है, उसमें क्या होता है इस पर सबकी नजरें होंगी। अनुराग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहाँ पर कुछ पहलवान भी उनके साथ हैं, कितनी मेहनत से ये लोग वहाँ तक पहुँचते हैं। ऐसे में ये बहुत मुश्किल होता है सोचना कि क्या कोई जानबूझकर इतनी बड़ी गलती करेगा, क्योंकि इतनी बड़ी मेहनत करने के बाद एक छोटी सी गलती होती है जिसकी वजह से वहाँ पर जाने का रास्ता बिल्कुल खत्म सा हो जाता है, तो ऐसा सोच पाना भी बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में जानना चाहेंगे वहां पर बहुत सारे पहलवान हैं, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं नरसिंह यादव को लेकर। जो बिल्कुल दीपाली सही बात कही आपने, जो स्ट्रगल पीरियड होता है पहलवानी का और कुश्ती का, वो बहुत ही वो कठिनाई से वो बीतता है, तमाम तरह की परेशानी आती है, लेकिन मेहनत और जज्बा एक स्टेज पर ऐसी लाकर खड़ा कर देता है कि जब अपने देश के लिए पहलवानों को कुछ ना कुछ करना होता है। और अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो पहलवान है और जो नरसिंह यादव जिनके लिए प्रेरणा है, तो उन पहलवानों में एक आस जगी, उनका कहीं ना कहीं मानना है कि नरसिंह यादव को न्याय मिल सकता है और कहीं ना कहीं उसके साथ किसी तरह का कोई धोखा हुआ है। नरसिंह यादव इस तरह के खिलाड़ी नहीं थे। हमारे साथ सरफाबाद गांव के कुछ पहलवान हैं, उनसे हम बात करते हैं। देखिए, बड़ी मेहनत से आप लोग अखाड़े में मेहनत करके खून पसीना बहा के एक अच्छी स्टेज पर पहुंचते हैं, तो आपको लगता है कि जब एक पहलवान इतनी बड़ी स्टेज पर पहुंच जाता है तो वहां जानपूर्वक पूछकर वो ऐसी गलती करेगा? जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई गलती, कोई इतना लेटेस्ट और नॉलेज वाला पहलवान ऐसी कोई गलती करेगा। 20 साल का पहलवानी करियर है नरसिंह यादव का, आज तक उन कभी डोप टेस्ट में कभी फेल नहीं हुए हैं और ना ही उन्हें कभी कोई डोप के लिए मना करा है, ना ही उन्होंने कभी किसी डोप टेस्ट में जो है ना भाग लेने से मना करा है। तो इस स्टेज पे आने के बाद जब सब कुछ क्लियर हो चुका है, ओलंपिक सिलेक्शन हो चुके हैं, तो ऐसी गलती करना एक अच्छे पहलवान के लिए, मैं नहीं मानता कि उन्होंने जानबूझ के सब। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, जिस तरीके से नरसिंह यादव कह रहे हैं और खुलकर जो बाकी लोग कह रहे हैं? जी बिल्कुल साजिश है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि महीने में 3 बार डोप चेक हुआ हो उनका, ऐसा पहली लाइफ में पहली बार हुआ है जो उस पहलवान का, नरसिंह यादव का 3 बार ड्रॉप चेक हुआ है उसमें एक महीने में, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार होता है। और उसके संदीप यादव पार्टनर हैं, उनका भी पॉजिटिव ही आया है, उनके साथ बिल्कुल साजिश की गई है, हम उनके साथ हैं। अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है और जो WFI है वो भी इस मामले में अब जांच करा रहा है, तो आपको लगा कि नरसिंह यादव को न्याय मिलेगा और जो साजिश हुई है उसके खिलाफ वो साजिश का पर्दाफाश होगा? जी बिल्कुल, हमें लगता है कि न्याय मिलेगा, क्योंकि हम जो कुश्ती संघ है वो नरसिंह यादव के साथ है। PM ऑफिस से पहले ही, हाई कोर्ट से पहले ही फैसले अच्छे आ चुके हैं उनके समक्ष, तो मुझे लगता है कि उनके साथ न्याय होगा, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है, उन्हें फंसाया जा रहा है और ये इसका जल्दी खुलासा हो जाएगा। अच्छा, फंसाने के पीछे रीज़न क्या हो सकता है, आप लोग क्या सोचते हैं एज ए पहलवान? एज ए पहलवान देखो, हिंदुस्तान में 10 लाख से भी ज़्यादा पहलवान लोग जो है ईयरली पार्टिसिपेट्स करते हैं कॉम्पिटिशन में, तो हमारे जो पिछले 4 साल के आंकड़े हैं उनमें जाटवाद कुछ ज़्यादा हो गया है, जाटों को जो है ना ज़्यादा बढ़ोतरी मिली है और उसमें जो है जाटों के ज़्यादा अचीवमेंट्स भी जाटों के, मतलब खिलाड़ियों के अंदर भी कुछ ना कुछ अब राजनीति होती जा रही है, पहले इस तरह की बात नहीं देखने को मिलती। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो रहा है, क्योंकि जहाँ जिस कम्युनिटी के लोग ज़्यादा होते हैं वहाँ पे जो है ना वो अपनी मनमानी करते हैं, और इसके लिए वो नरसिंह यादव पहले ही एक अपील डाल चुके थे कि मुझे खतरा है, अगर उस पर एक्शन हुआ होता तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। देखिए दीपाली, कहीं ना कहीं अगर हम इन पहलवानों की बात माने तो खेलों के अंदर भी जातिवाद हो गया, ऐसा इनका मानना है, लेकिन अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री कार्यालय ने और बाकी जो लोग हैं अब नरसिंह यादव के समर्थन में आए हैं, जांच कराने की बात कर रहे हैं, तो इनको लगता है कि नरसिंह यादव को न्याय मिलेगा और जो षड्यंत्र उसके खिलाफ रचा गया है उसका भी पर्दाफाश होगा। फिलहाल जितने भी पहलवान हैं जो नरसिंह यादव को अच्छी तरह से जानते हैं, खुद ये लोग नरसिंह यादव से कई बार मिल चुके हैं, तो इनका मानना है कि नरसिंह यादव कभी ऐसा गलत काम नहीं कर सकते, वो भी उस वक्त पर जब उनकी जिंदगी की जो अहम जब चरण आने वाला है उस वक्त पर कोई खिलाड़ी कभी ऐसा नहीं करेगा। बिल्कुल अनुराग, यही बात है, इसीलिए सब उम्मीद लगाकर भी बैठे हुए हैं। अमित से जानते हैं, क्या अपने परिवार से कभी उन्होंने इस बात को शेयर किया था? अमित, क्या यहाँ पर नरसिंह यादव के साथ शुरुआत से ही कई विवाद होते आ रहे हैं, सुशील कुमार की बात सभी को पता है, ऐसे में कभी उन्होंने अपने परिवार के साथ कोई परेशानी को शेयर किया था या फिर ये उनको आशंका थी कि हो सकता है उनके साथ कोई षड्यंत्र हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, पंचम यादव जी 74 किलोग्राम वर्ग में वो जा रहे थे रियो और हाई कोर्ट तक मामला पहुंचा और तमाम आरोप प्रत्यारोप के दौर चले, तो
तो कभी आपसे नरसिंह यादव ने इस बात की चर्चा की कि उन्हें डर है कि उन्हें फंसा कोई मत दे या उनके खिलाफ कोई साजिश ना हो जाए, उन कभी चर्चा की थी उन्होंने? नहीं, कभी नहीं चर्चा की है। उनके दिल में ये नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कोई करेगा, बाकी जाते जाते कर दिए और ऐसा करना नहीं चाहिए। बाकी तो हमारे बेटा को हम प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़ेंगे कि मेरे बेटा को ओलंपिक तक पहुंचना चाहिए, कि हमारा बेटा एकदम साधु है, ऐसा कोई नशा नहीं पड़ती, हमारे बेटे के साथ ऐसा किया। अच्छा, जो विवाद चल रहा था, आपको लगता है कि विवाद इतना विवाद हो चुका था कि उसके खिलाफ इस तरीके की साजिश हो सकती है, आपको अब लग रहा है ऐसा? सुशील से जो सुशील और करताल ने सब अपना पोरट से कहाँ तक सब पहुँचे, सबसे हैरान हो गए कि परेशान हो गए, उनका चारा नहीं चला, तो आज जाते जाते मेरे बेटा नरसिंह के साथ ऐसा किया कि जाने के टाइम, फिर जाने के टाइम पहलवान को एक ही बार मेडिकल होता है, वो नहीं करवाई किया तो मेरे बेटा के तीसरी बार कैसे मेडिकल होने का संभावना हुआ? तीन तीन डोपिंग टेस्ट होता नहीं है, लेकिन तीन तीन डोपिंग टेस्ट हुआ, उनके कज़न हैं, खुद भी पहलवानी ये करते हैं। मुझे ये बताइए, कभी भाई, आप उनके भाई हैं, बातचीत में कभी वो इस तरीके से चर्चा किए या परेशान दिखें कि लगातार उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा? जब भी उन्होंने क्वालिफाई किया था ओलंपिक के लिए, तो उनके 74 में 2014 में सुशील ने कॉमनवेल्थ गेम जीता था, तो उनके कैटेगरी में सुशील पहले 66 केजी में थे, तो 74 केजी में आ गए थे, तो इसके वजह से उनके कोच जो है सतपाल, वो भी प्रेशर बना रहे थे नरसिंह के ऊपर कि कभी ट्रायल देने को बोल रहे थे, फिर ट्रायल से कुछ नहीं हुआ तो फिर कोर्ट में जाने के लिए बोल रहे थे, कोर्ट का भी फैसला नरसिंह के साथ आया, फिर भी जो अभी सतपाल बोल रहे हैं कि उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ उनका खुद का नार्को टेस्ट होना चाहिए सतपाल का। तो आपको लगता है कि साजिश है, गहरी साजिश? हाँ, साजिश है, गहरी साजिश। बिल्कुल अमित, यहाँ पर गहरी साजिश। प्रधान जी, आप तो गांव के प्रधान भी हैं, बड़ा बिल्कुल अमित, गहरी साजिश की भी आशंका जताई जा रही है। प्रधान जो है इनसे भी बात करेंगे, एक बार फिर से अनुराग का रुख कर लेते हैं। अनुराग, जो एक पहलवान होते हैं उनको पता होता है कि क्या क्या, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी दवाएं हैं जो प्रतिबंधित हैं, ऐसे में उनको एहतियात के तौर पर क्या कुछ एहतियात बरतनी चाहिए जिससे कि ऐसे बचा जा सके, तो वहाँ जो लोग हैं उनकी क्या राय है? जी बिल्कुल दीपाली, देखिए खेल जगत में आजकल सबकी निगाहें हैं, तमाम तरह की एजेंसियां हैं जो निगाह रखती हैं पहलवानों पर और तमाम तरह के अखाड़ों पर। ऐसे पहलवान अगर हम बात करें, जब आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हो तो आपको किन किन चीज़ों से प्रतिबंधित दवाइयां जो ऐसी हैं वो नहीं खानी चाहिए, किस किस तरह का एहतियात आपको बरतना चाहिए, क्या आपको बताया जाता है? देखिए हिंदुस्तान में पहलवानी जो है छोटे तबके के, जो निम्न तबके के लोग होते हैं वो करते हैं, तो यहाँ पे गांवों में देहात में अखाड़े होते हैं वहाँ पे डोप वैसी चीज़ों का कोई जो है ना सेवन करता नहीं है, उन्हें पहलवानों को पता नहीं होता कि उन्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। एक जब कोई उपलब्धि आ जाती है नेशनल चैंपियनशिप वगैरह में, जब हम नेशनल कैंप अटेंड करते हैं तब हमें कोचेस वगैरह डॉक्टर्स वगैरह मिलते हैं, तब वो हमें गाइड करते हैं कि हमें ये चीज़ लेनी चाहिए, ये चीज़ नहीं लेनी चाहिए, इसमें डोप आ सकता है इसमें नहीं आ सकता है, तो वहाँ जाके हमें थोड़ा सा कन्फर्म होता है कि हमें ये चीज़ें नहीं खानी है। अच्छा, आप भी नेशनल लड़ चुके हैं इसमें कुश्ती में, तो आपको क्या बताया जाता है किस तरह के एहतियात आप लोगों को बरतना चाहिए? जैसे कि बुखार की दवाई हो, खांसी की दवाई हो, और कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो नहीं सेवन कर सकते, ये कोचिज बताते हैं कि ये और डॉक्टर बताते हैं, क्योंकि आप अगर आप इन चीज़ों से प्रतिबंध रखेंगे तो निश्चित तौर पर अगर आप ये चीज़ें खाएंगे तो आपकी जो मेहनत है उस पर भी कहीं ना कहीं दाग लग सकता है, तो इसलिए आप लोग परहेज बरतते हैं? जी जी बिल्कुल, परहेज बरतते हैं हम, ऐसी चीज़ों का कोई सेवन नहीं करते जो डोप में आती हैं, छोटे से छोटे पेन किलर भी जो है आजकल डोप में आ जाते हैं, लेकिन जब डोप टेस्ट होता है तो वो डॉक्टर जानकारी लेते हैं कि आपने क्या क्या खाया था क्या क्या नहीं खाया था, अगर हमें पता होता है तो हम बता देते हैं। अच्छा, नरसिंह यादव वाले मामले में आपको लग क्या रहा है पूरी तरह से, जो आप भी उनसे परिचित हैं, कई बार मिले भी आप उनसे, तो आपको लग क्या रहा है कि वो इस तरह के व्यक्ति थे कि क्या वो जानबूझ कर ऐसा करेंगे या कोई षड्यंत्र उनके खिलाफ किया गया? बिल्कुल शाकाहारी पहलवान है, उन्होंने कभी मांस का सेवन भी नहीं किया है, वो डोप जितना वो नेशनल कैंप अटेंड उन्होंने कराया है पिछले 5-6 साल में, वो नेशनल में लगातार मेडलिस्ट हैं और इंटरनेशनल लेवल। बिल्कुल अनुराग, कह सकते हैं सभी को बहुत उम्मीद है और कोई ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि नरसिंह यादव ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, कि क्या वजह रही है डोपिंग टेस्ट में फेल हो गए हैं। इस पर अब कल नाडा में सुनवाई होनी है, लेकिन अब क्या होगा ये रिपोर्ट देखिए।
देश मानकर चल रहा था कि ओलंपिक में एक मेडल पक्का है। नरसिंह यादव से मेडल जीतने की उम्मीद थी, लेकिन डोपिंग के चक्रव्यूह ने इस उम्मीद को धुंधला कर दिया। डोप टेस्ट में नरसिंह यादव के फेल होने के बाद अब इस मामले में आखिरी फैसला नाडा को करना है। डोपिंग पर सख्त नियमों के कारण सरकार चाहती है कि रियो जाने से पहले ही ये विवाद सुलझा लिया जाए, क्योंकि अगर रियो जाकर नरसिंह वापस लौटते हैं तो देश की बदनामी होगी। हम इंटरनेशनल कोड से बंधे हुए हैं, हम इंटरनेशनल वाडा से बंधे हुए हैं, हम अपने देश के अंदर हर चीज में ट्रांसपेरेंसी और ट्रू और फेयर स्पोर्ट चाहते हैं जी। तो इसीलिए जब तक हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा, इस मामले को आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। कल मैंने इसीलिए कह दिया था, अभी वो प्रोविजनली सस्पेंड हैं, अगर पैनल उनको एक्सोनरेट करेगा तब कहीं जाने की सोचे। नरसिंह यादव ने साजिश की आशंका जताते हुए भारतीय कुश्ती संघ को चिट्ठी लिखी है। नरसिंह खुद इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कुश्ती संघ ने नरसिंह का शिकायती पत्र पीएमओ को भेजा है। देश के सम्मान से जुड़े इस विवाद के बाद पीएम भी एक्शन में है। बनारस के बेटे को न्याय दिलाने के लिए पीएम ने निष्पक्ष तरीके से इस मामले की जांच कराने को कहा है। ना उनका नरसिंह यादव का भी सैंपल भी चेक हो गया और नाडा ने भी एक हियरिंग कर ली, कल फिन हियरिंग है, उम्मीद है कि परसों तक उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये प्रधानमंत्री अगर सीरियस ना होते, सरकार सीरियस ना होती तो ये नहीं होता। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने पार्टी की बैठक में खेल पर चिंता नहीं की है। एक एक खिलाड़ी से वो मिले हैं, जिस समय उनके जानकारी में ये प्रकरण आया वो बहुत शॉक्ड रह गए, दुखी हुए, और आज प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट जो है मानना है कि इस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए, उस लड़के को न्याय मिलना चाहिए। नरसिंह से देश को बड़ी उम्मीद थी। ये माना जा रहा था कि नरसिंह मेडल टैली में भारत का नाम दर्ज कराएंगे, इसलिए डोपिंग विवाद में फंसे नरसिंह को इंसाफ दिलाने की मांग हर तरफ से हो रही है। अगर मैं बीते कुछ महीनों की इस पूरी प्रक्रिया को, साक्ष्य, सबूत, बातचीत, विवाद, बयान देखूं, तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत कुछ है जिसकी पर्दादारी है। हमारा मानना है कि फौरी तौर पर, चूंकि रियो ओलंपिक बहुत नज़दीक है, हमारा मानना है कि फौरी तौर पर इसकी जांच होनी चाहिए। अगर किन्हीं लोगों की, किसी गुट की, किसी भी प्रकार के अवयवों की संलिप्तता है तो वो कानून के समक्ष लाए जाएं। मेरा ऐसा मानना है कि नरसिंह यादव को फंसाया जा रहा है, इसलिए WFI से मैं गुजारिश करूंगा कि जितना जल्दी हो अपील में जाएं, और मैंने सुना शायद गए अपील में, और नरसिंह यादव को बचाएं। भारत सरकार से भी मेरी अपील है कि नरसिंह यादव सिर्फ एक पहलवान नहीं, सिर्फ एक कुश्ती का मामला नहीं है, ये भारत के स्वाभिमान का मामला है। और मुझे 100% भरोसा है कि इस बार नरसिंह यादव अगर रियो ओलंपिक जाते हैं और अच्छे मन से, बगैर किसी बंधन के, बगैर किसी दबाव के खेलते हैं, तो निश्चित तौर पर ओलंपिक का मेडल लेके आएंगे। सवाल ये कि क्या नरसिंह को रियो में खेलने का मौका मिलेगा। सवाल इसलिए क्योंकि अगर नरसिंह रियो नहीं जाते हैं तो रेसलिंग में भारत का कोटा खाली रह जाएगा और एक पदक की उम्मीद धूमिल हो जाएगी। नरसिंह अगर रियो नहीं जाते तो ये उनके साथ भी नाइंसाफी होगी, क्योंकि उन्होंने बड़ी मुश्किल से ओलंपिक में खेलने का कोटा हासिल किया था। वाराणसी से रवि कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। तो बनारस के बेटे को क्या मिलेगा इंसाफ, इसी मुद्दे पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। अनुराग भी हमारे साथ बने हुए हैं और अमित भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके परिवार वाले भी हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, जो आप प्रधान से पूछ रहे थे कि उन्हें क्या उम्मीद है आगे। बिल्कुल, देखिए इस वक्त सत्ताधारी दल से जुड़े एक शख्स हमारे साथ हैं, यहाँ से वो विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी भी हैं। लालजी सोनकर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा का वर्चस्व है कुश्ती पर, और यही वर्चस्व सियासत और साजिश की वजह बना। आपकी सरकार क्या कर रही है, चूंकि आपकी सरकार ने 2012-13 में यश भारती दिया था नरसिंह यादव। हमारी सरकार इसमें लगी है कि नरसिंह यादव के साथ जो अन्याय हुआ है, ये न्याय होना चाहिए और इनको फिर से वहाँ वापस भेजा जाए। जो भी ये हुआ है वो जासीस के तहत हुआ है। आपको क्या उम्मीद है, कल अंतिम सुनवाई है, आपको लगता है कि आपका बेटा पाक साफ निकलेगा और रियो जाएगा? जी बिल्कुल अमित, यहाँ पर सभी को अब उम्मीद यही है, यही परिवार वाले भी चाह रहे हैं। बहुत कम समय बचा है इसलिए अनुराग का रुख करते हैं। अनुराग, आखिरी उम्मीद क्या है इन पहलवानों को नरसिंह यादव से और सरकार से?
देखिए कल बिल्कुल सुनवाई का आखिरी दिन है, आपको क्या लगता है कि न्याय किस तरह हो पाएगा और क्या आपकी उम्मीद है? अब देखिए क्या होता है, हमें भी इसी बात का इंतजार है कि न्याय मिले, और हम सब नरसिंह यादव के साथ में हैं, हम सपोर्ट करते हैं उनको, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है, उन्हें फंसाया जा रहा है और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन्हें सपोर्ट करें। जी तो देखिए दीपाली, ज़्यादा से ज़्यादा जो पहलवान हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं और सबको उम्मीद है कि नरसिंह यादव को न्याय मिलेगा। अच्छा आपको क्या लगता है कि किस तरह से अब चीज़ें सामने आनी चाहिए? जी जो हो क्लियर हो सामने, जो भी हो जैसे फंसा गया है उसे। बिल्कुल अनुराग, यहाँ पर सबको उम्मीदें हैं और यही उम्मीद सब कर रहे हैं और सबकी नज़र भी कल होने वाली सुनवाई पर भी है। बहरहाल शुक्रिया करेंगे अमित आपका भी और अनुराग आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उम्मीद तो सबको है लेकिन इंतजार ये भी है कि कहीं ये जो सुनवाई हो रही है और ये जो जाँच हो रही है इसमें देरी ना हो जाए।